अब दुश्मन की खैर नहीं। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल को एक ट्राइपोड से फायर किया गया। ये एंटी टैंक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह कामयाब रही। टारगेट में रहे टैंक को मिसाइल ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। खास बात यह है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। यही नहीं, ये मिसाइल कई खूबियों से लैस भी है। ये मिसाइल प्रणाली का तीसरा सफल परीक्षण था जिसमें मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने में बेहद कामयाब रही। मिसाइल का इस्तेमाल अब सेना करेगी। डीआरडीओ के मुताबिक इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निशाना अचूक है। आंध्र प्रदेश के कुरनूर में फायरिंग रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये मिसाइल दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए उसे तबाह कर देती है। ये मिसाइल वजन में इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन और रात दोनों वक्त दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई दी है। इस सफल परीक्षण के साथ ही थल सेना के लिए थर्ड जेनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल से खुद को लैस करने का मौका भी मिल गया है, जिसकी उसे लंबे समय से दरकार थी। इससे पहले भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया था। नाग मिसाइल को भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। अब तीसरी पीढ़ी के गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल नाग को बनाने का काम इस साल के आखिर में शुरू हो जाएगा। अब तक इसका ट्रायल चल रहा था। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।